हेलो फ्रेंड्स, तो आ जाइए मैं आपको बताऊंगा कोई भी ऐप से आप सामान ऑर्डर किए हैं, आपका सामान बहुत लेट हो गया, नहीं आ पा रहा है, कैसे कस्टमर केयर से बात करके आप अपना सामान का पता लगा सकते हैं। एग्जांपल की तरफ से मैं अमेजन ऐप ले रहा हूँ। स्टेप वन हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक थ्री डॉट का निशान आपको दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप पूरा नीचे जाइए। नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कस्टमर केयर सर्विस। कस्टमर सर्विस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉल अस, या यहाँ पे लिखिए लिखा है चैट विथ कस्टमर सर्विस। इसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में चैटिंग करके पता कर सकते हैं, या आप कॉल अस पे भी क्लिक करके आप अपना नंबर देके क्लिक कर सकते हैं। मैं कॉल अस पे क्लिक करके आपको बता रहा हूँ। देखिए आप जैसे क्लिक करेंगे आप अपना ऑर्डर आ जाएगा, कौन सा ऑर्डर पे आप क्लिक पूछना चाहते हैं। मान लीजिए मैं ये ऑर्डर ले रहा हूँ। ये ऑर्डर लेने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ट्रैकिंग एंड डिलीवरी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है वेयर इज़ माई ऑर्डर, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है आपका मोबाइल नंबर, और आप किसी भी लैंग्वेज में, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज हैं, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दे देंगे, तो यहाँ पर देने के बाद आप इसमें क्लिक कर लीजिए कॉल मी। आप कस्टमर सर्विस की तरफ से आपको एक कॉल आएगा, कस्टमर सर्विस से आप बात करके आप अपना प्रोडक्ट के बारे में पता कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको स्टेप टू बताता हूँ। ये ऑर्डर पे जाइए। अब मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट लेता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट या ट्रैकिंग आईडी, यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग आईडी लिखा है। ये नंबर को आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद इस तरह के कोई भी सामान आप कहीं से भी ऑर्डर किए हैं उसका ट्रैकिंग आईडी आपको मिला होगा, या इस कुरियर वाले से फ़ोन करके पूछ लीजिए इसका ट्रैकिंग आईडी क्या है। इस नंबर को आप ले लीजिए, और लेने के बाद या गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाइए। मैं क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करूँगा। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है डिलीवरी, आपको लिखना है डिलीवरी ट्रैकिंग आईडी, ऐसा करके लिखना है। देख लीजिए ऐसा लिखना है आपको डिलीवरी ट्रैकिंग आईडी, इस तरह के आपको लिखना है। फिर सर्च कर लीजिए, देखिए यहाँ पर आ गया डिलीवरी फर्स्ट डिलीवरी कुरियर पिकअप ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ पे सर्विस लिखा है। मुझे एक कुरियर वाले से व्हाट्सएप पे मैसेज आया था आपका सामान कब आएगा। ये देखिए मेरा ट्रैकिंग आईडी है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये मेरा ट्रैकिंग आईडी है, वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किए थे। इस ट्रैकिंग आईडी की मदद से मैं मेरा सामान कब आएगा पता कर सकता हूँ, तो उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा और वापस क्रोम ब्राउज़र पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी के बाद डिलीवरी कुरियर पिकअप डिलीवरी ऑनलाइन शॉपिंग लिखा है, उस पर आपको यहाँ पे देखिए ये फास्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए ये आ गया डिलीवरी ट्रैकिंग योर ऑर्डर, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी करके लिखा है। देखिए यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी करके लिखा है। देखिए इस ट्रैकिंग आईडी से मैं ट्रैकिंग आईडी जो कॉपी करके लाया था यहाँ पर कॉपी कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पर कॉपी कर लिया हूँ, उसको यहाँ पर प्रेस कर लेना है। देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रैक कर लेना है आपको, इस पर क्लिक कर लेना है। देखिए क्लिक करने के बाद ये आ गया, देखिए यहाँ पर लिखा है मेरा एस्टिमेट डिलीवरी डेट है 10 जुलाई 2021 को, और 1 बजे या 2 बजे आ जाएगा। इस तरह से अपने कोई भी सामान का, देखिए यहाँ पर लिखा है पिकअप इंस्टेंट पिकअप, यहाँ पर लिखा है, इस तरह से कोई भी आईडी का ट्रैकिंग आईडी लेके आप गूगल पर सर्च करके अपना सामान का पता लगा सकते हैं कब डिलीवरी होगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।